याद करना, माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, भगवान राम की ननिहाल है, और अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। शराब, चखना और डिस्पोजल और पानी, ये छत्तीसगढ़ के चार चिनारी बन गए हैं। दोस्तों, विधानसभा डोंगर गांव में चुनावी गुल बच गया है, काफी प्रचार प्रसार शुरू हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठित, अगर सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा डोंगर गांव में आए थे। आइए हम लोग बात करते हैं विधानसभा डोंगर गांव के भाजपा के प्रत्याशी से, क्या बोलते हैं विधानसभा डोंगर गांव के जनता के लिए क्या। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। अभी है डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी जो बहुत बड़े दावेदारी कर रहे हैं। डोंगरगांव विधानसभा को बहुत हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, और इस क्षेत्र से भरत वर्मा जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो बीजेपी के लिए उम्मीदवार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप विधानसभा डोंगरगांव के जनता के लिए? आपके चैनल के माध्यम से डोंगरगांव के मतदाता को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक साधारण परिवार, साधारण व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व टिकट दिए हैं। मैं शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं, प्रदेश नेतृत्व को, डोंगरगांव नेतृत्व। आने वाले समय चूँकि 7 तारीख के चुनाव में पूरे प्रदेश में परिवर्तन के मूड हैं, और भारतीय जनता पार्टी को फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। 5 साल से कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लिए हैं, अब इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज संकल्प लाए हैं उसमें सभी वर्गों का सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सभी वर्गों को ध्यान की दिए हैं। उसमें कहीं घोषणा पत्र एक अच्छा घोषणा पत्र है, और आने वाले चूंकि मोदी जी हैं तभी गारंटी है, इसलिए ये आज के सभा के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी ने आज हम सब सभा के माध्यम से सनातन धर्म से लेकर हिंदू सम्राट जैसे अलग अलग विषयों में हम सबको मार्गदर्शन, और मतदाताओं को आज चार्ज करके गए हैं। आने वाले 7 तारीख में मतदाता इसी डोंगरगांव विधानसभा को परिणित करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। महोदय जी, जैसे विधानसभा डोंगरगांव में शराब, चखना और डिस्पोजल और पानी, ये छत्तीसगढ़ के चार चिनारी बन गए हैं। अच्छा, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो। हाँ। और हम कहना चाहेंगे आपको, जैसे आप विधानसभा डोंगरगांव की जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या बोल कर रहे हैं? डोंगरगांव की जनता को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जनता आने वाले समय में परिवर्तन और प्रदेश में भ्रष्टाचार, और जब आप सबका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारी जो सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना, कृषि, अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में वादा भी कर रहे हैं, और वादा करके अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम किसानों के हित में काम करेंगे, हम नगर पंचायत में एक अच्छा सुशासन देना चाहेंगे। 10 साल से नगर पंचायत की सरकार है, आज पेयजल के लिए समस्या है, 18 करोड़ जल आवर्धन हम उस समय लाए थे, आज वो बंटाने का, ठीक है जी। महोदय जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आए थे, उसके आने से डोंगरगांव के जनता को, मतदाता को क्या वोट कर पाएंगे? हाँ, मतदाता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं इस समय, लहर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से मिलते हैं। आशा कि आप लोगों को जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा डोंगरगांव प्रत्याशी था, उससे हम बात किए, काफी अच्छी अच्छी बात किए हैं। आशा है कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ आया था, इस क्षेत्र के लोग काफी उम्मीद थे, काफी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिला था। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्त यारों को शेयर करना ना भूलना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।